अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर है। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने क्लासिक के बारे में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हासिल की थी और मेरी बुकिंग भी ऑनलाइन हुई। मैंने उनसे फ़ोन पर रब्ता किया और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन मिली। इसके बाद मैंने ऑनलाइन ही सब कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र और ये सब किया, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस हुआ। डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेजे और मेरा टिकट विकेट सब कुछ मुझे ऑनलाइन मिल गया था निकलने से पहले। और डायरेक्टली फिर हम बॉम्बे से मदीना आए। 7 दिन हम लोग मदीना शरीफ रहे, वहाँ पे ज़ियारत की, रोज़ा शरीफ में नमाज़ पढ़ी और सारा सब कुछ प्रोसेस जो था वो बहुत ही स्मूथ था। जो हम पहले बहुत स्केप्टिकल थे निकलने से पहले, कि थोड़ा हमको डर लगा हुआ था कि यहाँ पर कुछ क्वारंटीन होगा या नहीं होगा या फिर और कुछ मुसीबतें आएंगी पैंडमिक के चलते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ बहुत ही खुला हुआ है और सब कुछ हर चीज़ हमको सहूलियत से मिली। यहाँ पर हमारे रोज़ा शरीफ में भी जो मैंने कहा कि हम लोग नमाज़ पढ़ी, वहाँ पर ऐप के थ्रू इन ऑनलाइन ये सब हर चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पे भी माशाल्लाह हम 7 दिन मदीना शरीफ रहने के बाद मक्का है और यहाँ पर भी हमने पहले रात में हमारा ऑलरेडी क्लासिक टूर की तरफ से हमारा कर दिया गया था, उम्रा का परमिट बुक कर दिया गया था। तो पहले दिन हमने उम्रा कर दिया, हमने परफॉर्म कर दिया। उसके बाद अभी सब कुछ होटल भी यहाँ से एक पॉजिटिव, बहुत अच्छा पॉजिटिव है कि होटल जो है मक्का शरीफ हरम से सिर्फ एक वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली 5 मिनट का रास्ता है, यहाँ से वॉकिंग आप जा सकते हैं। तो ये सब कुछ एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हमारे हिसाब से। और जो भी आना चाहेंगे मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी सब कुछ खुल गया है। तो क्वारंटीन के हिसाब से और बाकी सब मसले के हिसाब से सब कुछ बहुत ही सहूलियत के हिसाब से होने के चांसेस हैं। तो बस ये कहना चाहूँगा। अगला और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर 5 फेब की जो ग्रुप था उसके साथ हम यहाँ पर आए। और पहले जो मैंने दूसरी तरफ बाकी टूर्स में भी इंक्वायरी की थी तो बाकी सब टूर्स वाले घबरा रहे थे इसमें, और उसकी वजह से हम लोग भी घबरा रहे थे कि वो कह रहे थे कि क्वारंटीन का मसला है, यहाँ पर आने के बाद आपको हफ्ता 5 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और उसकी वजह से हम लोग भी, जो पैसेंजर जो टूरिस्ट है वो भी घबरा रहे थे उस वजह से। तो लेकिन जब क्लासिक टूर से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है यहाँ पर और हर चीज़ के का सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन माशाल्लाह हमको मिल गया उस तरफ से, जिस तरह से उन्होंने बताया उस तरह से हमको सोल्यूशन मिल गया। और हर चीज़ को हम बिना क्वारंटीन के और बिना किसी मुश्किलात के हमने ये सक्सेसफुली ये हो गया हमारा। मक्का में, राइट? जी हाँ, मक्का में हम लोग। तो यहाँ पर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस और कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इवन मदीना में भी हम जब लैंड हुए तब भी बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। ऐसे जैसे लोग कह रहे थे कि क्वारंटीन होना पड़ेगा और होटल में 5 दिन रहना पड़ेगा, वैसा कुछ भी नहीं था। हम लोग मदीना शरीफ में भी रोज़ ज़ियारत की, हमने रोज़ नमाज़ें वहाँ पे नबवी में पढ़ी, मस्जिद नबवी में पढ़ी। और यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ। थैंक यू मदस्सिर भाई।